उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया और अपराधी से नेता बने लोगों के शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने का निर्णय लिया है। साथ ही इन माफियाओं के नामों की एक सूची बनाई जा रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य का गृह विभाग ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि सूची में माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, धनंजय सिंह, अभय सिंह और राजा भैया के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सभी नेताओं के पास कई लाइसेंस हैं। दरअसल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम आपराधिक छवि वाले प्रमुख व्यक्तियों के ट्रैक रिकॉर्ड और उन्हें जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस की संख्या की जांच कर रहे हैं और हम उनके परिवार और गैंग के सदस्यों और समर्थकों को जारी किए गए लाइसेंस की एक सूची बना रहे हैं। ये देखा गया है कि हथियार के लाइसेंस परिवार के सदस्य को जारी किया गया है, लेकिन उनका इस्तेमाल गैंग वॉर में किया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश श्रीवास्तव फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवीश, एक बड़ा फैसला यहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया है, कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों के जो है जो चार चार जो लाइसेंस थे उनको जो है योगी सरकार ने रद्द कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद हैं, इनके जो लाइसेंस रद्द किए हैं, डीजीपी ओपी सिंह ने जो निर्देश दिए थे इनके लाइसेंसों को बहुत पहले रद्द करने के लिए, कहीं सत्ता के उपरांत रहते हुए भी कहीं उनके जो है जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सत्ता के दबाव के चलते हुए इनके लाइसेंस रद्द नहीं किए गए थे, मगर एक बहुत बड़ा फैसला लेकर और जो है इनके जो लाइसेंस रद्द किए हैं, बहुत बड़ा सवाल है जी। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि यहां पर राज्य सरकार ने कहा है कि आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों से हथियार अगर छीन लिए जाएंगे तो राज्य में जो अपराध हो रहे हैं उनमें कमी आएगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि हथियार लेने के बाद यहाँ पर आपराधिक मामले के जो ग्राफ लगातार यूपी में बढ़ते जा रहे हैं उसमें कमी आएगी? बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए जिस तरह से जो फैसले लिए गए हैं वो बहुत ही सही पूर्ण से लिए गए हैं और डीजीपी ओपी सिंह और कलानिधि नैथानी जो है डेली जो है रोज पेपर के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का एक बड़ा सवाल देते हैं और जो मैसेज के माध्यम से देते बताते हैं कि आखिरकार जो अपराधी हैं ये अपने सत्ता के नशे में जो रहते हैं इनके आखिरकार ये अपराध कैसे कम किया जाए, ये एक बहुत बड़ा पहल निकाला है और जिसके चलते अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के जो लाइसेंस रद्द किए हैं बहुत बड़ा सवाल है जी। रवि, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर तो अभी सिर्फ लिस्ट बनाई गई है ना, कि कब तक ऐसा होगा कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और जो लाइसेंस है ये रद्द किए जाएंगे? देखिए, अभी इस चीज की जो है डीजीपी साहब और कलानिधि नैथानी ने जो है जो निर्देश दिए हैं, जो भी इनके जो विवेचक जो लाइसेंस के जो लाइसेंस जो बनाते हैं उनको भी बोला गया है कि इनके लोगों के जल्द से जल्द जो लाइसेंस है उनको रद्द करके और इनके ऊपर जो भी विधिवत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई भी करी जाएगी। और हालांकि दर्जनों मुकदमे इनके ऊपर हुआ करते थे मगर सत्ता के नशे में होकर इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती थी। आज जो है योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के जो लाइसेंस रद्द किए हैं, बहुत ही सही फैसला लिया है। रवि, काफी बार ऐसा देखा जाता है कि जो आपराधिक छवि वाले जो ये लोग हैं वो अपने नाम पे लाइसेंस नहीं लेते, वो अपने परिवार के सदस्य के नाम पे लाइसेंस ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बिल्कुल सही है कि जो भी जैसे वो ज्वेलर्स की हो या कोई भी व्यापारी हो या कोई अन्य बड़ा व्यापारी हो, इनके लिए जो लाइसेंस के लिए जो पहल निकाली गई है बहुत ही सही निकाली है, मगर कहीं ना कहीं ये आपराधिक मामले जो जिस तरह से लोगों के लाइसेंस को जो है बंदूक लेके छीन के चले जाते हैं, उसकी हत्याएं हो जाती हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। कलानी नैथानी बड़ा प्रयास करने की पहल करते तो है पहल, मगर कहीं भी उनके पहलों को जो है कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों का भी कहीं ना कहीं हाथ होता है, जिसमें जो है वो अपराधी पुलिस पस्त होती है, अपराधी मस्त होते हैं जी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए थे। तो एक बड़ा फैसला यहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया है और देखने वाली बात होगी कि क्या इस फैसले के बाद आपराधिक मामले यूपी में कम होते हैं या नहीं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।